टू डिस्कस सम ऑफ द ठीक है एंड मैं आपको ना अनम्यूट कर रहा हूँ सबको, मैंने किसी को म्यूट नहीं कर रही हूँ, तो जिसको भी आंसर आता है वन बाय वन रेज योर हैंड, इकट्ठा आंसर नहीं देना ठीक है, रेज योर हैंड ओनली देन यू कैन गिव द आंसर बिकॉज अदरवाइज देयर विल बी प्रॉब्लम, आंसर क्लियर ही नहीं होंगे आपको ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को सुनो ध्यान से, उसके बाद उसका आंसर ऑप्शन विल बी गिवन टू यू एंड ट्राई टू गिव द आंसर, ध्यान से सुनो स्टेटमेंट ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु रूल्ड फ्रांस इन 1830s 1830 एंड वॉज फोर्स टू फ्ली आफ्टर अनएम्प्लॉयमेंट, फ्ली का मतलब होता है फ्लेड, कंट्री छोड़ देना, कॉज वर्कर्स टू रिवोल्ट ऑन रोड्स, जिसके कारण वर्कर्स जो थे वो रोड्स पे आ गए, 1830 के बाद का टाइम पीरियड आई है ठीक है। और इसमें हमारे जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस विल बी गिवन, फर्स्ट इज किंग इमैनुअल सेकंड, सेकंड इज किंग विलियम वन, थर्ड इज किंग विलियम एंड फोर्थ इज किंग लुइस फिलिप। किंग लुइस फिलिप, क्वेश्चन इज हु रूल्ड फ्रांस इन 1830s, 30s मतलब 30s के बाद, एंड वॉज फोर्स टू फ्ली आफ्टर, फ्ली का मतलब होता है फ्लैड, कंट्री छोड़ देना, एंड अनएम्प्लॉयमेंट कॉज वर्कर्स टू रिवोल्ट ऑन रूट्स, कौन सा रिवोल्ट आई है, पेरिस का रिवोल्ट आई है, टाइम पीरियड आपने पढ़ा है 1830 के बाद 1848 तक, कौन था रूलर, फ्रांस का रूलर कौन था, राइट आंसर रेज योर हैंड। हाँ जी, किंग इमैनुअल वन, किंग इमैनुअल टू, किंग विलियम या लुइस फिलिप, विच इज द राइट आंसर। हाँ जी रेज योर हैंड, ओके राइट आंसर इज लुइस फिलिप, लुइस फिलिप इज द राइट आंसर। 1830 के बाद पेरिस रिवोल्ट आपको याद है, लुइस फिलिप जो था वो कंट्री छोड़कर चले गए थे 1848 का जो रिवोल्ट हुआ था पेरिस का, बिकॉज एट दैट टाइम दे ही वाज नॉट एबल टू सेटिस्फाई द पीपल ऑफ हिज कंट्री, सो 1848 में क्या हुआ, रिपब्लिक, फ्रांस बिकेम रिपब्लिक ठीक है, और नेशनल एम्प्लॉयमेंट जो है वो लोगों को दी गई, और 1848 के बाद जो फ्रांस था दैट टर्न्ड रिपब्लिक, इट इज क्लियर। अब ठीक है आंसर पता लग गया रूहानी, हाँ जी रूहानी, यस मैम ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन, द मेन पर्पस ऑफ द कांग्रेस ऑफ वियना 1815 वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, नंबर वन प्रमोट द आइडियाज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्रिएट अ यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, रिटर्न यूरोप to the condition that existed before the French Revolution, or establish strategies needed to rebuild Turkey's economy. Ma'am, third option. Return Europe to the condition that existed before the French Revolution. Yes, it is right. Right answer is कि यूरोप को उस कंडीशन में लेकर आना जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले थी, यानी कि बर्बन डायनेस्टी। तो कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं है कि ऑप्शंस जो आपको दिए हैं एज सच आंसर होंगे, लेकिन आपको इवेंट याद रखनी है कि अल्टीमेटली व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दैट, तो फॉर दिस यू हैव टू डू रीडिंग, रीडिंग एंड रीडिंग अगेन एंड अगेन, जितना रीड करोगे ना उतना ही आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता ना उसकी रीडिंग प्रॉपर करो, क्योंकि आपको नहीं पता उस पैराग्राफ में से किसी भी तरह से क्वेश्चन जो है वो ट्विस्ट करके आ सकता हूँ, तो जितना हो सके जितना टाइम है आपके पास, आपके पास सफिशियंट डेज हैं, उन डेज को डिवाइड कर लो अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट एंड उसके अकॉर्डिंग आप चैप्टर की रीडिंग करो ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट डज लिबरलिज्म मीनिंग टू द न्यू मिडिल क्लास, लिबरलिज्म का मीनिंग न्यू मिडिल क्लास के लिए क्या था, नंबर वन इकोनॉमिक फ्रीडम, नंबर टू फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, थर्ड इज एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड फोर्थ इज पॉलिटिकल राइट्स। अगेन आई एम टेलिंग द ऑप्शंस, इकोनॉमिक फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी और न्यू पॉलिटिकल राइट्स। मैम सेकंड ऑप्शन,
Yes, second option. Freedom of the individual and equality of all before law. Question क्या है? What does liberalism meant to the new middle class? नई middle class के लिए liberalism का क्या मतलब था? वो किस sense में freedom चाहते थे? तो close connection देखो. कई बच्चों को economic freedom भी लग सकता है, लेकिन close answer क्या है? इसका freedom of individual and equality of all before law. वो सभी अपने आप को equal मानना चाहते थे, equality चाहते थे. ठीक है? Next is identify the inhabitants of Balkan region from the given options. Wales, Scot, slaves and Irish. Identify the inhabitants of Balkan region, Balkan areas from the given options. Wales, Scots, slaves or Irish. Answer is Balkan slaves. S-L-A-V-S. Slavics bhi aur slaves bhi kehte the. Theek hai? Okay, next is, next question. Which among the following language is not recognized in the 8th schedule of the Indian Constitution? कौन सी लैंग्वेज जो है वो इंडिया के 8th शेड्यूल में गिवन नहीं है, जो आपकी बुक में लिस्ट है, उस लिस्ट में कौन सी लैंग्वेज नहीं है? संस्कृत, कश्मीरी, इंग्लिश और सिंधी. Which among the following language is not recognized in the 8th schedule of the Indian Constitution? आपकी बुक में जो गिवन लिस्ट है, गिवन लिस्ट में कौन सी लैंग्वेज नहीं है? संस्कृत, कश्मीरी, इंग्लिश और सिंधी. मैम इंग्लिश. यस इंग्लिश. इंग्लिश तो ऑफिशियल है, इंग्लिश तो हम कह ही नहीं सकते कितने परसेंट इंग्लिश बोलते हैं. हमने उसमें कहा है ना कि कितने परसेंट पंजाबी बोलते हैं, कितने परसेंट उड़िया बोलते हैं, कितने परसेंट कश्मीरी बोलते हैं, कितने परसेंट डोगरी बोलते हैं. इंग्लिश इज ऑफिशियल. इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है. ठीक है? तो इंग्लिश जो है वो 8th शेड्यूल में गिवन नहीं है. टोटल हमारी कंट्री की शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कितनी है? 22. आपको याद होगा जब भी हमारी कंट्री का कोई भी पेपर होता है, इंग्लिश का पेपर कंपल्सरी होता है. ठीक है? और बाकी लैंग्वेजेस में ऑप्शंस होते हैं. यानी कि आपके पास कल को अगर आपने इंडियन रेलवे या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स कोई भी देने हैं ऑल इंडिया लेवल के, तो आपके पास 22 लैंग्वेजेस का ऑप्शन होगा. यू कैन चूज एनी वन ऑफ ऑल 22 में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो. वो आपको लैंग्वेज का बेनिफिट दिया है ताकि लैंग्वेज के बेस के ऊपर हमारी कंट्री में कोई भी प्रॉब्लम ना. इज इट क्लियर? क्लियर है? ठीक है? हाँ जी. नेक्स्ट है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वर मेड टू रिकॉग्नाइज डिफरेंस बेस्ड ऑन लैंग्वेज और एथनिटिसिटी. यानी कि कौन सी स्टेट्स जो हैं यहाँ पर, जो फॉलोइंग स्टेट्स हैं, ठीक है, वो जो स्टेट्स हैं जिनको डिफरेंस बेस्ड ऑन लैंग्वेज और एथनिसिटी के बेस के ऊपर उनको बनाया गया. बिहार, गोवा, राजस्थान और नागालैंड. उनको कल्चर के बेस के ऊपर, के बेस के ऊपर उसको बनाया. हाँ जी. नागालैंड. नागालैंड ट्राइबल्स, ट्राइबल्स हैं वहां पे, तो ट्राइबल्स के बेसिस के ऊपर उस स्टेट को अलग से बनाया गया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इंडियन फेडरेशन. हमारी कंट्री के इंडियन फेडरेशन की कौन से फीचर इसमें से नहीं है? नंबर वन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर टू ड्यूअल सिटीजनशिप, नंबर थ्री सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर फोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स. अगेन हमारी कंट्री का कौन सा इसमें से फीचर नहीं है फेडरेशन, इंडियन फेडरेशन का? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ड्यूअल सिटीजनशिप, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स. हाँ जी भूमिका. ड्यूअल सिटीजनशिप. ड्यूअल, ड्यूअल का मतलब क्या होता है? अपना पासपोर्ट चेक करो जिसका बना हुआ है. आपके पासपोर्ट पे सिर्फ आपकी आइडेंटिटी क्या लिखा हुआ है? सिंगल. सिंगल का मतलब सिंगल है, इंडियन. इंडियन मतलब सिंगल आपकी है, सिंगल सिटीजनशिप है आपकी. लेकिन कई कंट्रीज क्या होती हैं जहां पे एक पर्सन अपनी स्टेट का भी सिटीजन होता है और कंट्री का भी होता है, उनकी सिटीजनशिप होती है ड्यूअल. लेकिन हमारी कंट्री की सिटीजनशिप क्या है? सिंगल. हमारी कंट्री के पासपोर्ट पे सिर्फ लिखा है इंडियन. तो ये है हमारी कंट्री का, ये फीचर नहीं है ड्यूअल सिटीजन, हमारी कंट्री का फीचर नहीं है. ठीक है? आगे आ जाओ. मैम ड्यूअल सिटीजन के अंडर कौन सी आती हैं कंट्रीज? ऐसी कंट्रीज जिन कंट्रीज में फेडरेशन यानी कि जो स्टेट हैं वो भी पार्ट होती हैं और पूरी कंट्री का भी हो सकता है. जैसे कई कंट्रीज के जो होते हैं ना पासपोर्ट होते हैं,
उसमें उस जैसे पंजाब, सपोज अगर हमारी कंट्री में ऐसा होता पंजाबी एंड इंडियन, मतलब हमारी स्टेट की भी आइडेंटिटी होती और इंडिया की भी होती, ये होता। सपोज अगर हमारी कंट्री में ड्यूअल सिटीजनशिप होता ना, तो जितने भी पंजाब के लोग हैं उनके पासपोर्ट पे पहले लिखा होता पंजाबी, उसके बाद होता इंडियन, तो मतलब हमारी दोनों आइडेंटिटी लिखी हुई है। लेकिन कई कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पे उनकी कंट्री की आइडेंटिटी होती है, सिंगल आइडेंटिटी होती है। ठीक है, आगे देखो बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग वेज हेल्प टू स्ट्रेंथन फेडरलिज्म इन इंडिया। अब ये देखो, ये कई क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर सारे आंसर एक जैसे होते हैं। फिर से देखो इसको ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग वेज हेल्प टू स्ट्रेंथन फेडरलिज्म इन इंडिया। आउट ऑफ फोर, किसने हमारी कंट्री के फेडरेशन को स्ट्रॉन्ग किया है? नंबर वन, एफिशियंट एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर टू, यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट क्या ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा आपको ना, सपोज। थर्ड इज रिकंस्ट्रक्टिंग सेंटर स्टेट रिलेशन, एंड लास्ट इज एबॉलिशन ऑफ सम रूल्स एंड रेगुलेशन। तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि इसमें से कुछ ऐसे ऑप्शन है जो क्लियर नहीं है, और कुछ ऑप्शन हैं जिनके कारण हमारी कंट्री की फेडरलिज्म बहुत स्ट्रांग हुई है। फेडरलिज्म स्ट्रांग तभी होता है जब सेंटर और स्टेट में रिलेशन इंप्रूव हो। जिस कंट्री में सेंटर और स्टेट के रिलेशन इंप्रूव होंगे, जैसे बेल्जियम में हुए, वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जिसमें नहीं होंगे वहां पे स्ट्रेंथ कम होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस। ठीक है, आगे देखो। फर्स्ट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या, एडमिनिस्ट्रेशन से क्या होता है आपने बताना, सेंटर और स्टेट में रिलेशन इंप्रूव हुआ तो ही फेडरलिज्म, क्योंकि फेडरलिज्म का मेन फैक्टर ही क्या होता है, पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जितना सेंटर स्टेट को लिबर्टी देगी, जितना सेंटर स्टेट को इंडिपेंडेंस देगी, उतना ही स्टेट सेंटर पे बिलीव करेंगे और स्टेट और सेंटर आपस में मिलकर फेडरलिज्म को इंप्रूव करेंगे। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन में पॉइंट ही नहीं क्लियर हो रहा। सेकंड है यूनियन गवर्नमेंट में पॉइंट ही नहीं क्लियर हो रहा। थर्ड में एबॉलिशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन में पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा। तो लास्ट बचा क्या ऑप्शन, रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। हमेशा क्वेश्चन के चार आंसर्स में से वो आंसर लेना है जो आंसर बिल्कुल क्लोज हो, क्योंकि सारे आंसर आपको या तो क्लियर नहीं होंगे या एक जैसे लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज इन विच ईयर द अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड दैट लेट द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर इफेक्टिव एंड पावरफुल। ईयर बताना है 1992, 1991, 1989, 1992। इस ईयर में हमारी कंट्री में थर्ड टायर को सबसे ज्यादा इंप्रूव किया गया। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कि एक नया कल्चर है पावर शेयरिंग का। 1990 से पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, कौन सा कल्चर जो आज के टाइम में देखा गया, लेकिन 1990 से पहले ऐसा नहीं था। फिर से, विच व्हाट लेड टू द न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनोमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया आफ्टर 1990 के बाद हमारी कंट्री में कौन सा नया कल्चर आया है जिसके कारण हमारी कंट्री में पावर शेयरिंग और ज्यादा इंप्रूव हुई है। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है दैट विल बी द क्लोज। नंबर वन, राइज ऑफ नेशनल पार्टीज। नंबर टू, राइज ऑफ कॉमन प्रोग्राम्स। नंबर थ्री, प्रमोशन ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स। एंड लास्ट, फॉर्मेशन ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट। फॉर्मेशन ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट, कोलिजन, ये अपने बुक में पढ़ा हुआ कि पावर शेयरिंग का, आगे आपने पढ़ा ना पावर शेयरिंग के अलग अलग कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, उसमें कोलिजन गवर्नमेंट का एक लाइन है कि दैट इज अ न्यू कल्चर। 1990 से पहले कोलिजन गवर्नमेंट का ट्रेंड नहीं था, आपको याद होगा, चाहे सर्वे भी देख लो, नेट से देख लो। 1947 के बाद हमारी कंट्री में सेंटर में सिर्फ एक ही पार्टी रूल करती थी, कोलिजन गवर्नमेंट का ट्रेंड नहीं था, अलायंस बनाने का ट्रेंड नहीं था। और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में देखा जाए तो ऑल इंडिया लेवल पे या तो लोग कांग्रेस पे ज्यादा बिलीव करते थे और या लोग दूसरी पार्टी जैसे बीजेपी या जनता दल। तो आगे से आगे मतलब क्या है कि 1990 के बाद अब लोग डिस्ट्रीब्यूट हो गए। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी एक पार्टी के लिए मेजोरिटी वोट लेना बहुत मुश्किल हो गया। अब आगे से आगे पार्टीज क्या कर रही है, अलायंस बना रही है। जैसे अपने पंजाब में आपने देखा था कि पहले अकाली दल और बीजेपी की अलायंस थी, बट अब अलायंस जो है वो ब्रेक हो गई है, अब वो अलायंस चेंज हो गई है। तो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पॉपुलेशन, जो उनकी विल है, जो वो चाहते हैं,
उसके अकॉर्डिंग लोग क्या करते हैं आगे से आगे पार्टीज में अलायंस बना लेते हैं, और कई बार अलायंस बनाने के बाद जब पार्टीज को मेजोरिटी वोट नहीं ना मिलते तो गवर्नमेंट बनाने के लिए वो क्या करते हैं, फिर कोलिजन गवर्नमेंट बनाते हैं। कोलिजन गवर्नमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट बनेगी उन सभी पार्टीज में से जिस पार्टी की मेजोरिटी होगी उस पार्टी के लीडर सीएम या पीएम बनेंगे, और बाकी सभी पार्टीज के लोगों को कोई ना कोई मिनिस्ट्री दी जाएगी ताकि सभी पार्टीज हैं वो सेटिस्फाइड हो। और ऐसे में नेगेटिव भी हो सकता है, सपोज अगर किसी पार्टी के किसी लीडर को जो है वो डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट या मिनिस्टर नहीं बनाया तो वो पार्टी अपना सपोर्ट विड्रॉ भी कर सकती है। विड्रॉ कर लेगी तो प्रॉब्लम आएगी तो कई बार इतनी प्रॉब्लम आती है कोलिजन गवर्नमेंट ब्रेक हो जाती है, लोकसभा या विधानसभा डिसॉल्व हो जाएगी, कंट्री में फिर से इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। तो कोलिजन गवर्नमेंट का ट्रेंड 1992 के बाद बहुत ज्यादा शुरू हो गया, इसके कारण अलायंस कोलिजन गवर्नमेंट बनने शुरू हुए। रीजन क्या है, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट 100% मेजोरिटी या फुल मेजोरिटी फॉर एनी वन पार्टी। आज के टाइम पीरियड में अगर बीजेपी भी है ना तो बीजेपी भी फुल मेजोरिटी में नहीं है। बीजेपी को भी जब नंबर ऑफ सीट्स बीजेपी की जितनी भी सीट्स थी ना 543 में जितनी भी सीट्स थी उनको गवर्नमेंट बनाने के लिए कुछ पार्टीज का सपोर्ट लेना पड़ा। मतलब बीजेपी भी अलायंस का पार्ट है। कौन सी अलायंस है, एक तरफ है यूपीए एक तरफ है एनडीए। यूपीए कांग्रेस को सपोर्ट है और एनडीए का सपोर्ट है बीजेपी, तो बीजेपी ने भी बहुत सी अलायंस बनाई हुई है। तो पहले अलायंस का ट्रेंड नहीं था, अब अलायंस का ट्रेंड है, ये न्यू कल्चर है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज इन विच ईयर हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस, यानी कि कौन से ईयर में हैब्सबर्ग ने हंगेरियंस को ऑटोनॉमी और ज्यादा ऑटोनॉमी दी, क्योंकि उनको ये डर था, हैब्सबर्ग को ये डर था कि कहीं जैसे बाकी कंट्रीज में रिवोल्ट हो रहा है हमारी कंट्री में भी रिवोल्ट ना हो। जर्मनी में हो रहा था, जर्मनी में लोग रिवोल्ट कर रहे थे, तो जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848 के बाद फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल हो गई और धीरे धीरे बाकी कंट्रीज में यूनिफिकेशन जो है वो शुरू हो गई। तो इसका ईयर जो है ये अपने बुक में अच्छी तरह से, कुछ ईयर ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, तो इसमें ईयर दिया गया है 1850, 1857, 1868 एंड 1867। राइट आंसर इज 1867। तो मैं तभी आपको कह रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि जो मेन इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उनको ही आपने बार बार रीड करना है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन किसी भी लाइन से आ सकता है, चाहे वो इंपॉर्टेंट है चाहे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देन ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं, वो तो आपने उसके बारे में अंदाजा भी नहीं लगा सकते, वो आपको फैक्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन राइट है कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, आगे बच्चे देखो, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द जर्मन कॉन्फेडरेशन। जर्मन कॉन्फेडरेशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है दैट इज करेक्ट। नंबर वन, डिड नॉट इंक्लूड प्रशिया। नंबर टू, इंक्लूडेड नॉन जर्मन टेरिटरीज इन पोलैंड एंड हंगरी। नंबर थ्री, इट वॉज अ लूज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 39 स्टेट्स। एंड लास्ट, इट वॉज अ लूज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 50 स्टेट्स। राइट आंसर इज, क्या है जर्मन कॉन्फेडरेशन, कौन सा आंसर बिल्कुल क्लोज है इसके। जर्मन कॉन्फेडरेशन कितनी स्टेट्स थी टोटल मैम? 39 स्टेट्स। तो राइट आंसर क्या है, इट वाज अ लूज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 39 स्टेट्स जिनको जर्मन कॉन्फेडरेशन कहा गया, और प्रशिया के एफर्ट से ही इन्होंने मिलकर जोलवेरियन बनाया, जिसके कारण इन्होंने आपस में जितनी भी इनकी करेंसीज थी, टोटल करेंसी थी 30, उनको खत्म कर दिया और इन सब ने मिलकर दो करेंसीज को कॉमन रखा, और उसके बाद इकोनॉमिक एक्सचेंज के लिए, बिजनेस के लिए और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए इन कंट्रीज में सपोर्ट का मतलब होता है लिबरलिज्म को सपोर्ट किया। नेक्स्ट इज द जुलाई रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। जुलाई रेवोल्यूशन आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, 1815, 1826, 1830, 1832। जुलाई रेवोल्यूशन फ्रांस का या पेरिस का भी कह सकते हो मैम, वो तो 1789 में नहीं, 1789 तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, उसके बाद फिर नेपोलियन बोनापार्ट का रूल आया,
फिर बैटल ऑफ वाटरलू 1850 में बर्बन डायनेस्टी आ गई, लुईस 18 को किंग बना दिया। लुईस 18 के बाद फिर नेक्स्ट फर्स्ट आपने पढ़ा नहीं है एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 से 1848, पहला रेवोल्यूशन ही जुलाई है। जुलाई 1830 में क्या हुआ था, व्हेन बेल्जियम ब्रोक अवे फ्रॉम द फ्रॉम बेल्जियम ब्रोक अवे फ्रॉम नीदरलैंड एंड किंग चेंज हुआ था, लुईस 18 की जगह कौन बन गया किंग, लुईस, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ही कराया था, कौन किंग बन गया 1830 में, जो बाद में 1848 में जिसको चेंज किया, लुईस फिलिप। लुईस फिलिप। तो क्वेश्चन क्या है फिर से, द जुलाई रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स, आइडेंटिफाई फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, 1815, 1826, 1830 और 1832। राइट ऑप्शन इज 1830, जुलाई, जुलाई रिवोल्ट नहीं हमने पढ़ा, जुलाई रिवोल्ट फ्रांस का हमने पढ़ा ना, एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 से 1848 में कितने रिवोल्ट हुए थे, नंबर वन पेरिस रिवोल्ट, और जुलाई रिवोल्ट भी कहते हैं इसको, 1830। सेकंड हमने पढ़ा इसी के साथ सेम ईयर बेल्जियम, बेल्जियम रिवोल्ट, जब बेल्जियम, जब हमने पढ़ा नहीं है कि जब व्हेन फ्रांस नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, बेल्जियम अलग हो गया नीदरलैंड से। थर्ड फिर हमने पढ़ा ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फोर्थ हमने पढ़ा है हंगर एंड हार्डशिप के दो रिवोल्ट, इसमें हमने पढ़ा एक 1845 और एक पढ़ा 1848। यहाँ पे क्या हुआ, लुईस 18 को चेंज करके कौन बन गया, लुईस फिलिप बना। ये यहाँ पे कोई किंग का नाम नहीं है, सिर्फ अपने याद रखने की बेल्जियम नीदरलैंड से अलग हो गया। ग्रीक वॉर ऑफ में आपने ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल के ईयर और स्ट्रगल कब हुआ था वो याद रखना, 1845 में सिलेशिया, और 1848 में क्या हुआ, 1848 में लुईस फिलिप चेंज हो गया और फ्रांस क्या बन गया, रिपब्लिक। ठीक है, तो ये ऐसे आपने याद रखना है रिवोल्ट के ईयर। तो तभी मैं कह रही हूँ अच्छी तरह से ना रीडिंग करो, लाइंस को प्रॉपरली रीड करो। ओके, नेक्स्ट इज हाउ डिड द कांग्रेस ऑफ वियना एंश्योर पीस इन द यूरोप, वियना ट्रीटी जो है, ठीक है, उसने किस तरह से पूरे यूरोप को पैसिफाई किया। नंबर वन, ऑस्ट्रेलिया वॉज नॉट गिवन नॉर्दर्न इटली। नंबर टू, पावर्स वर नॉट गिवन टू जर्मनी। नंबर थ्री, लेआउट, लेइंग आउट द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल द ग्रेट पावर्स इन यूरोप। एंड नंबर फोर्थ, बर्बन डायनेस्टी वॉज नॉट रिस्टोर। अगेन आई एम रिपीटिंग, आप देखो बहुत ईजी है आंसर ढूंढना, बहुत ईजी है। हाउ डिड द कांग्रेस ऑफ वियना एंश्योर पीस इन यूरोप, नंबर वन ऑस्ट्रिया वॉज नॉट गिवन नॉर्दर्न इटली, नंबर टू पावर्स वर नॉट गिवन टू जर्मनी, नंबर थ्री बर्बन डायनेस्टी वॉज नॉट रिस्टोर, नंबर फोर्थ लेइंग आउट ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल द ग्रेट पावर्स ऑफ यूरोप, सब में डिवाइड कर दिया उन्होंने, तो ये इसका राइट आंसर होगा। उन्होंने कैसे किया, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया ने नेपोलियन बोनापार्ट को हरा कर फ्रांस का एरिया आपस में डिवाइड कर लिया, ताकि कोई भी जो पावर है उसको किसी भी तरह से बोलना हो, सभी को डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है इक्वल सबको दे दिया, ताकि जितनी भी पावर्स हैं वो सारी पैसिफाई हो सके। ठीक है, क्लियर है, इज इट क्लियर, अंशिका, कनिष्का, कविश, माधव, पलक? यस मैम। इज इट क्लियर? ओके, आई एम गोइंग टू, यस मैम, वेट फॉर वन मिनट, आई एम गोइंग टू टेक योर स्क्रीनशॉट ऑफ अटेंडेंस। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे देखो, ऑस्ट्रेलिया इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ फेडरेशन, इज इट होल्डिंग टुगेदर, इज इट कमिंग टुगेदर, इज इट बोथ ए एंड बी, इज इट कांट से, ऑस्ट्रेलिया होल्डिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर नहीं, कैसे मैंने कहा इसको कैसे याद रखना, कमिंग टुगेदर वो कैसे, यूएसए, यू मींस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एस मींस स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ए मींस
ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया होल्डिंग होल्डिंग में कौन कौन सी है होल्डिंग में इंडिया स्पेन बेल्जियम स्पेन बेल्जियम इंडिया एसबीआई स्पेन बेल्जियम ऐसे याद रखो कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर में ठीक है आगे आ जाओ इन विच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स द रीजनल गवर्नमेंट वॉज गिवन मोर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स इन बेल्जियम 1991, 1992, 1993, or 1994? Nineteen ninety-three is the right answer. Clear? Any doubt? Okay. Anji. Next question is: Which of the following incident mobilized nationalist feelings among the educated elite class? Which of the following incident mobilized nationalist feelings among the educated elite class? Number one, is it German unification? Is it unification of Italy? Is it unification of Britain? Or Greek War of Independence? In चारों में से कौन सी event आपके मन में nationalist feelings emerge करती है? जिसको देखकर आपको ये लगता है कि कंट्री के लोग कैसे यूनाइटेड हुए होंगे जर्मन यूनिफिकेशन यूनिफिकेशन ऑफ इटली यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन और ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मैम ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नेशनल सेंटीमेंट्स आपको याद है डेला क्रॉस ने पेंटिंग बनाई थी जिसमें ग्रीक लोगों का टॉर्चर दिखाया था रोल ऑफ लैंग्वेज रोल ऑफ कल्चर रोल ऑफ आर्ट तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है इन चारों में से वो सबसे क्लोज है मोबिलाइज का मतलब होता है जिसने नेशनलिस्ट जो फीलिंग्स है उसको ज्यादा इमर्ज किया बढ़ाया ठीक है नेक्स्ट इज हु वाज प्रोक्लेम एज अ रूलर ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861 किंग विलियम फोर्थ काइजर विलियम वन विक्टर इमैनुअल सेकेंड काउंट कमिलियो डी काबू हु वाज प्रोक्लेम्ड एज अ रूलर ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861 King Wilhelm IV, Kaiser William I, Victor Emmanuel II, or Count Camillo Cavour? Ma'am, third option. Victor Emmanuel II. Germany का याद रखना है Kaiser William और इसका याद रखना है Victor Emmanuel II. Year भी याद रखो. उसका है इटली का है 1861. जर्मनी का क्या है? जर्मनी का क्या है? 1871. 1871 ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वॉज स्पोकन फॉर द पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी इन द मिड 18th सेंचुरी इन यूरोप फिर से वो विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वॉज स्पोकन फॉर द पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी इन द मिड 18th सेंचुरी इन यूरोप कौन सी लैंग्वेज को एक यूनिफॉर्म लैंग्वेज एक कॉमन लैंग्वेज लिया गया था जर्मन इंग्लिश फ्रेंच और स्पेनिश Which language became the common language? Ma'am, German. नहीं नहीं German थोड़ी. Which language became the common language? कौन सी language common language हुई थी? Revolutionaries ने कौन सी language को common language बनाया था? Ma'am, English. नहीं. French. French. French became the आपने याद नहीं revolutionaries का question. French revolutionaries का क्या contribution क्या था? कौन सी language जो है उसको common language बनाया था? फ्रेंच लैंग्वेज बिकेम द कॉमन लैंग्वेज का मतलब होता है फ्रेंच को कम्युनिकेशन के लिए कॉमन लैंग्वेज बनाया ताकि आसपास लोग इकट्ठे हों और उनके बीच में जितना कम्युनिकेशन ज्यादा होगा उतना ही रेवोल्यूशन ज्यादा होगा और उतना ही लोग आपस में एक दूसरे के ज्यादा क्लोज आएंगे और किंग के अगेंस्ट या जो भी उस टाइम पीरियड में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उन प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट मिलकर फाइट करेंगे तो फ्रांस को उस टाइम पीरियड में कॉमन लैंग्वेज बनाया कॉम्युनिकेशन के लिए ठीक है इज इट क्लियर हाँ जी आइडेंटिफाई द एरिया नंबर वन
central government has special powers in running these areas. These areas are too small to become an independent state. Is it town, district, city, or UTs? क्या है इसका आंसर? UTs. UTs, union territories. Union territories होती हैं, ना स्टेट से बड़ी नहीं होती, मतलब छोटी होती है, स्टेट से बहुत छोटी होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इन पे कंट्रोल करती है, डायरेक्ट कंट्रोल करती है. Okay, time is over now. So all the best for your first paper. After that, we will discuss about our second paper. Clear? Tomorrow you are coming for your ID cards, for collecting your ID cards. Okay? God bless you. All the best.